के द्वारा पूजा अर्चना की गई। और अब मंच पर सभी योगियों के साथ, महंतों के साथ इस वक्त योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, और आप ये तस्वीरें दिख रहे हैं, मंच पर विराजमान हैं, और साथ ही साथ जगतगुरु विश्वेश्वर इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। और साथ ही साथ वाराणसी दौरे पर जब इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो वाराणसी का दौरा मुख्यमंत्री का ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी हो जाता है कि ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, और इस पूरे इलाके में कामों में तेजी लाना ये प्रमुखता है, और बाकायदा इसी को लेकर के मुख्यमंत्री की बड़ी जिम्मेदारी भी है, और मुख्यमंत्री लगातार इस पर नजर बनाए रहते भी हैं कि कहां पर जो बड़ी परियोजनाएं हैं, बड़े जो प्रोजेक्ट हैं, उनमें अभी तक काम किस लिहाज से हो रहा है, कितना तेजी के साथ काम किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले जब वाराणसी दौरे की शुरुआत मुख्यमंत्री ने की है, तो जंगम बाड़ी मठ में पहुंच करके सबसे पहले पूजा अर्चना मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है, और साथ ही साथ अब मंच पर इस वक्त मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। अन्नपूर्णेश्वरी सहित विश्वनाथ बाबा जी के एवं काल भैरव तथा स्थानाधिपति श्री जगद्गुरु विश्वाराध्य अनंतानंद प्रणाम करते हुए आज इस जंगमवाड़ी मठ में ऐतिहासिक सभा संपन्न होने जा रही है। वह है विश्व वीर शैव धर्म महासम्मेलन। इस विश्व वीर शैव धर्म महासम्मेलन में इस सम्मेलन का जिन्होंने सानिध्य स्वीकारा, ऐसे श्रीमद उज्जयी सद्धर्म सिंहासनाधीश्वर श्री 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 1008 जगद्गुरु सिद्धलिंग राजदेशी केंद्र शिवाचार्य महास्वामी जी के चरणों में तथा श्री शैल सूर्य सिंहासनाधीश्वर श्री 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 1008 जगद्गुरु श्री चन्न सिद्धराम पंडिताराध्य शिवाचार्य महास्वामी जी के चरणों में तथा काशी पीठ के 86वें जगद्गुरु विद्यावाचस्पति विद्यावारिणी श्री 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 1008 जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के चरणों में एवं आज जिनका पट्टाभिषेक हुआ 27वें जगद्गुरु जी के रूप में जो जगद्गुरु पद ग्रहण किए हैं, ऐसे नूतन जगद्गुरु श्री 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 1008 जगद्गुरु डॉक्टर मल्लिकार्जुन विश्वाराध्य शिवाचार्य महास्वामी जी के चरणों में भी नमन करते हुए आज बहुत ही आनंद का उत्सव है, बहुत ही संभ्रम का दिन है। हमारे बीच एक बाबा विराजमान है, जंगम बाबा के दरबार में आज आपका शुभागमन हुआ है। जंगम बाबा मठ जो है बहुत ही पुराना है, आप जानते हैं बाबा जी, इसी बाबा जी के नगरी में बाबा जी के मठ में आप आज उपस्थित हैं। इस उत्तर प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ बाबा जी, श्रीमान शिवराज पाटिल जी, श्री बाबा साहेब कल्याणी जी, शायद आप लोगों ने देखा होगा अभी यहाँ से जब निकलने के बाद मोदी जी जब जर्मनी चले गए थे, यूरोप यात्रा में चले गए थे, उनके साथ साथ बाबा कल्याणी जी भी थे, अभी हम लोगों को फोटो प्राप्त हो रहा है। ऐसे व्यक्ति हमारे समाज से है और इस मठ में आए और इस मठ को अपना योगदान दिए। इसी तरह जगदीश हिरेमठ जी पुणे से, सुनील रफानी जी पुणे से और अनिल गावड़े जी पुणे से, कई ऐसे महान व्यक्तित्व इसमें आए हैं और आते रहेंगे, ये तो कंटिन्यूस प्रक्रिया। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा श्रीमद काशी ज्ञान सिंहासनाधीश्वर श्री श्री 1008 डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी से अपने आशीर्वचन से हम सब लोगों को लाभान्वित करेंगे।
शिवलिंग संभूतं विश्वविद्या विबोधकं विश्ववंद्यं सदा वंदे विश्वाराध्यं जगद्गुरु। काशी के सुप्रसिद्ध इस जगंबाड़ी महामठ में नूतन पट्टाभिधिकार महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित विश्व वीरशैव महासम्मेलन का दीप प्रज्वलन करके उद्घाटन किए हुए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश करने का संकल्प किए हुए सम्मान्य श्री योगी आदित्यनाथ जी, इस सभा में उपस्थित उज्जैनी श्री शैल जगद्गुरु महास्वामी जीओं को अनंत प्रणिपात करते हुए हमारे काशीपीठ के नूतन जगद्गुरु डॉक्टर मल्लिकार्जुन विश्वाराध्य महास्वामी जी को भी अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए उपस्थित समस्त शिवाचार्यगण।